गुड मॉर्निंग आज हम एनसीआर टी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ किडनीज हमारी बॉडी में किडनीज इनका इनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है सो दे हेल्प इन एक्सक्रीशन सेकेंड जाइलम का क्या काम है हम जानते हैं जाइलम हेल्प्स अस टू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए किस चीज़ की जरूरत है हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वाटर चाहिए क्लोरोफिल चाहिए सनलाइट चाहिए सो द ऑप्शन विद बी ऑल ऑफ दीज पायरुवेट को अगर हम ब्रेक डाउन करें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनाने के लिए तो ये प्रोसेस कहाँ पर होता है हम जानते हैं पायरुवेट ग्लूकोज आपका पायरुवेट बनाता है साइटोप्लाज्म में दिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म और पायरुवेट से आगे जो प्रोसेस होता है देखते हैं टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ट्रिया सो द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ट्रिया राइट ओके सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि हमारी बॉडी में फैट्स कैसे डाइजेस्ट होता है हाउ इज फैट्स डाइजेस्टेड इन अ बॉडी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसमें बाइल जूस डालना पड़ता है वी हैव टू पुट बाइल जूस इन इट बाइल जूस फैट को इमल्सिफाई कर देता है इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि उसे छोटे छोटे पीसेस में बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है फिर ये इमल्सिफाइड फैट ब्रेक होता है विद हेल्प ऑफ लाइपेज इन्जाइम चाहे वो पैनक्रियास का हो या इंटेस्टाइन का हो एंड द फैट्स विल बी ब्रोकन डाउन द फैट्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये ब्रेक हो जाते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल सो दिस इज हाउ अ फैट इज़ डाइजेस्टेड इन द बॉडी हाउ डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस ये हमने डिस्कस कर लिया और फिर फैट एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द वाय थ्रू द लेक्टील हमने पढ़ा था ये विलाय होता है हमारे पास और इसके बीच में एक लिम्फ वेसल होती है जिसको हम कहते हैं लैक्टील ये देखिए दिस इज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विलाय और ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम लैक्टील कहते हैं ये फैट को एब्जॉर्ब करती है दिस एब्जॉर्ब्स द फैट नाउ ऑटोट्रॉफिक कंडीशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए कौन से कंडीशन जरूरी होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए हम जानते हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें वाटर चाहिए हमें सनलाइट चाहिए विच विल गिव अस एनर्जी और हमें क्लोरोफिल चाहिए क्लोरोफिल हमें uh, हमारी सनलाइट को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है राइट right? और व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास ऑक्सीजन निकलता है एंड वाटर रिमूव होता है सो दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और मेन प्रोडक्ट जो है इसका दैट इज ग्लूकोज ग्लूकोज हमारा सिंथेसिस होता है राइट right? एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एन एरोबिक में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है एरोबिक में थर्टी अबाउट थर्टी सिक्स ए टी बनते हैं जबकि एन एरोबिक में सिर्फ टू ए मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके अलावा एरोबिक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एनोबिक हमारा सिर्फ साइटोप्लाजम में हो जाता है right? कुछ ऑर्गेनिज्म जो एनोरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं हम बैक्टीरिया कह सकते हैं हम ईस्ट कह सकते हैं ये एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं एल्वियोलाई को कैसे डिज़ाइन किया गया हम जानते हैं कि एल्वियोलाय इज़ अ बेलून लाइक स्ट्रक्चर ये बहुत थिन होता है ताकि गैसेस आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके ये मॉइस्ट होता है थोड़ा सा गीला होता है क्योंकि गीले सरफेस पर गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाता है

हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है कैरीज ऑक्सीजन तो नेचुरली अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे और हमें बीमारी हो जाएगी जिसको हम कहते हैं अनिमिया अनिमिया नाम की बीमारी हो जाएगी और हमारे शरीर को ऑक्सीजन न मिले तो हम बेहोश हो सकते हैं और मर भी सकते हैं डबल सर्कुलेशन हम जानते हैं डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट में ब्लड दो बार आता है राइट वंस इट कम्स फ्रॉम द बॉडी एंड वंस इट कम्स फ्राम द लंग्स तो बिकॉज 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 हमारे हाथ में दो बार ब्लड आता है देवो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बॉडी से हमारा इम प्योर ब्लड आता है और लंग्स से हमारा प्योर ब्लड आता है ऑक्सीजनेटिड ब्लड आता है सो दिस कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ये ज़रूरी क्यों है दिस इज इम्पॉर्टेंट सो दैट हमारी बॉडी को ओनली प्योर ब्लड जाए सिर्फ प्योर ब्लड जाए उससे क्या होगा अगर हमारा ब्लड ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उसमें तो हमारी बॉडी में ज़्यादा ए बनेगा मोर ए विल बी फॉर्मड ज़्यादा ए अगर हमारी बॉडी में बना तो वी कैन विल हैव मोर एनर्जी मोर एनर्जी का मतलब है कि हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन कर सकते हैं वी कैन मेनटेन और बॉडी टेम्परेचर जिसकी वजह से चाहे हम गर्मी में रहें या हम सर्दी में रहें हम लोग सर्वाइव करेंगे हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं राइट right? अच्छा अगर हम एल्वियोलाई की बात करें और किडनी में नेफ्रॉन की बात करें तो हम इनको कंपेयर करना चाहें तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं एल्वियोलाई एंड हेयर वी हैव द नेफ्रॉन्स एल्वियोलाई इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स लंग्स का फंक्शनल यूनिट है और नेफ्रॉन जो है दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पॉइंट वन एल्वियोलाय लंग्स में काम करते हैं और नेफ्रॉन किडनी में काम करते हैं पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट हो गई दूसरी चीज़ एल्वियोलाय अगर आपको याद हो तो इसमें भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कैपिलरीज फॉर्म करती हैं ताकि आ, ताकि ब्लड को लेकर आ सकें और वहाँ से बाहर लेकर जा सके बीच में हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होता है अगर हम नेफ्रॉन की भी बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन में भी ब्लड कैपिलरीज का एक झुंड होता है ये देखिए यहाँ पे भी ब्लड कैपलरीज आती हैं और कैपलरी फॉर्मेशन करती हैं सो so, यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से ब्लड चला जाएगा सो बोथ ऑफ देम विल हैव अ नेटवर्क ऑफ कैपलरीज और दोनों ही फंक्शनल यूनिट्स हैं एलविओलाई में अगर डिफरेंस की बात करें तो एल्वी हमारा गैस एक्सचेंज करने में मदद करता है और नेफ्रॉन जो है हमारा वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज करने में मदद करता है राइट सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन तो आज के लिए इतना ही करते हैं हैव नाइस डे विद दिस यू एनसीआर क्वेश्चन आर कम्प्लीट अपनी कॉपी में कम्प्लीट कर लीजिएगा कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे